क्वेश्चन को काउंट कर लो, ठीक है, आपको क्वेश्चन को काउंट करना है। जो क्वेश्चन आपको 100% आते थे, मतलब जो आपको परफेक्ट आते थे, मैं आपको काउंट करोगे ना, तो ये 20 से लेकर 30 की रेंज में होंगे। जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की है ना, तो उसकी काउंटिंग 20 से 30 के बीच में ही होगी, मैं सही बता रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है। अब उसके बाद में 30 क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन के लिए मुझे कम से कम 60 या 55 क्वेश्चन सही करने हैं, तो मुझे उसके लिए 80 क्वेश्चन तक जाना है। पर 30 क्वेश्चन में सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, और अगर मुझे अब आगे जाना है तो दोस्तों मुझे कम से कम इस रेशियो को 80 से 85 लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे 55 to 58 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या चाहिए, मुझे करेक्ट चाहिए। अब आप लॉजिक लगाओगे वही जो मैंने अभी बताया था, क्यों किस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास ऐसे होंगे 50-50, आपको आता हो, आपको एक ही क्वेश्चन पता हो तो उसके अंदर में आप, हमारे पास 33 और 66 का रेशियो बनेगा, और एक होता है जिसमें आपको कुछ नहीं आता, तो आपको पहले वो क्वेश्चन देखने हैं, फिर उसके बाद में कि जो 50-50 पता है। तो ये एक सीक्वेंस होगा, पहले वो करो जो सब आता है, उसके बाद वो करो जिसमें आपको डाउट था, डाउट भी पहले 50-50 का है। इनके लिए ना आप कोड अलग से डिसाइड करोगे, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे जिसमें आपको दो ऑप्शन आता है तो आप जब सर्कल करोगे तो वहां पे लिख दोगे 50%, ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। जिसमें एक ही ऑप्शन पता है वहां पर लिख दोगे भाई 33% सही आता है मुझे, तो बाद में ना प्रेफरेंस सेट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन समय कब करना है।